हेलो स्टूडेंट, आम दिव्या कथीरिया। एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ये देखा कि भाई पार्टनरशिप के भी टाइप्स हो सकते हैं। उसमें थर्ड वन टाइप था अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, जिसमें टू सब टाइप्स थे। एक तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, सेकेंड वन इज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? अब रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया है तो क्या फ़ायदा होगा कि भाई अगर आपका थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम होता है और अगर आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा और प्लस जस्टिस मिलने के चांस कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर? जबकि अनरजिस्टर्ड में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी के बेसिस के हिसाब से आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? तो उसमें देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है, लेकिन कौन से एक्ट के अंडर करवाना है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से करवाना है। क्लियर? इट्स नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल। यस, अगर आप नहीं करवाते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप करवाते हो तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को फायदे भी हो सकते हैं, या तो फिर हम लोग लीगली प्रूफ भी दे सकते हैं इसके हिसाब से, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो। द स्टेट इन विच द फॉर्म इज़ अ सिचुएटेड, यानी कि हमारा जो फॉर्म है, हमारा जो बिजनेस है, वो अगर कोई स्टेट में सिचुएटेड है, कोई ना कोई स्टेट में तो सिचुएटेड होने ही वाला है गाइस, तो उस स्टेट के हिसाब से क्या होगा? दैट इज़ अ रजिस्ट्रार ऑफ अ फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म का रजिस्टर वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। किसके थ्रू होगा? इज़ एन अपॉइंटेड ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आपके हर स्टेट में, उनके जितना भी स्टेट्स है हमारे इंडिया के अंदर, वहाँ पे हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म अवेलेबल होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो हमें जो भी प्रोसेस करवाना है वो उसकी परमिशन से और वो जैसे गाइड करता है वैसे करवाना है। क्लियर? उसके पास जाके करवाना है। फॉर द रजिस्ट्रेशन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आर टू बी द फिल्ड इन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड द फॉर्म इज टू बी द सबमिटेड टू द रजिस्टर बाय पेइंग फीस। यानी कि सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उतनी सारी फुलफिल करनी पड़ेगी, प्लस ये फॉर्म जो फिल हो जाता है फिर देन आफ्टर हमें रजिस्ट्रार को देना है और साथ में उसकी जितनी भी फीस होगी नॉमिनल फीस वो भी हमें पे करनी रहेगी। क्लियर? यानी कि क्या है, आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर करवाते हो तो फ़ायदे में रहेंगे। फिर है, अगर जहाँ पे भी स्टेट, जो भी स्टेट में हमारा ये फॉर्म सिचुएटेड है, अवेलेबल है, वहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म अपॉइंट किया है, तो उसके पास जाके हम लोग ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर? फिर है, डिटेल्स इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा वहाँ पे कौन कौन सी डिटेल इंक्लूड की जाएगी और हमें वो कंपलसरी फिल करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, यानी कि यस, हमारा फॉर्म कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे फॉर्म का नाम क्या है, वो सब कुछ हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ब्रांचेस ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे फॉर्म की कोई ब्रांचेस है तो हमें वो भी मेंशन करनी है। सिर्फ मेन ब्रांच के रिलेटेड हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, हमारे पूरे बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो हमारी जहाँ पे भी ब्रांच होगी, जिस भी जगह पे जितनी भी ब्रांच होगी, उन सबका इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। फिर नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स, हमारे साथ जितने भी पार्टनर्स जुड़ने वाले हैं उन सारे पार्टनर्स का नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर भी चाहिए होगा। फिर है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर्स, यानी कि कौन सा वाला पार्टनर कौन सी डेट पे एंटर हुआ है, कब एंटर हुआ है, वो सारी डेट भी हमें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर? द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर, जो पार्टनर्स हमारे साथ कनेक्टेड है वो सारे पार्टनर का प्रॉफिट का रेशियो क्या है, लॉस का रेशियो क्या है, वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ है, वो सब कुछ हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, अब कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है वो सब भी हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल के रिलेटेड सारी बातें हमें वहाँ पे क्लियर, जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांगी है वो फिल करनी पड़ेगी। फिर ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारा जो फॉर्म है वो टाइम पीरियड के हिसाब से चल रहा है, टर्म के हिसाब से है, एट विल है या फिर जो भी टाइप का है, वो भी हमें वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अगर आपका फॉर्म ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड फिक्स है तो वो भी हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? आफ्टर कंसिडरिंग द अबो डिटेल्स द रजिस्ट्रार रजिस्टर द फॉर्म एंड इश्यू द सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल हमारी फिल करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा। क्लियर?
ऐसे ही हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। पहले वो चेक करेगा कि हम लोगों ने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जितना इन्फॉर्मेशन फिल किया है, वो राइट है कि रॉन्ग है, वो लीगल है अनलीगल है, वो सब कुछ चेक करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, हमारे फॉर्म को रजिस्टर करेगा और हमें एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई आज से हमारा जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड कहा जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हम लोग रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं। क्लियर? हम लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो भी चलता है, तो ये स्पेसिफिक क्यों जरूरी है, एडवाइजेबल क्यों है, तो ये है एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। गाइज 2 मार्क में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन एडवाइजेबल क्यों है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग इसमें 5 में से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन है फॉर रिकवरी ऑफ अ फॉर्म ड्यूज द फॉर्म कैन फाइल अ क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हमें किसी से ड्यू लेना बनता है, यानी कि हमें किसी के पास से पैसे लेने हैं और अगर वो नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट में उसके खिलाफ क्लेम यानी कि केस भी कर सकते हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर है पार्टनर ऑफ द फर्म कैन फाइल अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और फर्म। यानी कि अगर किसी पार्टनर के साथ अनजस्टिस हो रहा है, बायसनेस होने की ट्राई हो रही है, तो वो पार्टनर अकेले भी, सामने जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर के खिलाफ भी केस कर सकता है, या तो फिर फर्म के नेम के खिलाफ भी केस कर सकता है अगर उसके साथ बायसनेस या तो फिर कुछ भी गलत होने की कोशिश की गई। तो पार्टनर कैन डिमांड द जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर हिज राइट एंड शेयर। हमारे यहाँ पे पहले डिसाइड क्या होता है कि हम लोग पहले डीड डिसाइड करते हैं। क्लियर? यानी कि एक अग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं जब भी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म फ्रेम करने वाले होते हैं तब। तो उसमें हम लोगों ने क्या लिखा होगा कि भाई सारे पार्टनर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लायबिलिटीज, कौन कितना लाएगा, किसी के हिस्से में क्या आएगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सब कुछ हम लोग पहले से क्लैरिफाई करके रखते हैं और फिर देन आफ्टर अगर हमें हमारा जो राइट है, हमारा जो हक है, वो अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कोर्ट में जाके डिमांड कर सकते हैं जस्टिस के लिए कि भाई मेरा इतना राइट है, मेरा इतना शेयर है, जितना मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट के हिसाब से फिर जो भी ऑर्डर आएगा वो सारे पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर है द रिटायरिंग पार्टनर बाई गिविंग द नोटिस टू पब्लिक कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले नोटिस देना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, पब्लिकली नोटिस दे देगा कि भाई मैं ये डेट से आज से रिटायर्ड हो रहा हूँ, यानी कि फिर उस डेट के बाद जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर? द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म बिकम्स अ पब्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन। जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो कैसा हो जाएगा, हमारा अस्तित्व एग्जिस्टेंस पब्लिकली हो जाएगा, यानी कि हम लोग वाइड लेवल पे स्प्रेड हो जाएंगे, तो उससे हमारे बिजनेस के लिए भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्लियर गाइस? तो ये हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की क्यों ज़रूरी है, क्या डिटेल्स चाहिए, कौन से फ़ायदे हो सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। ओके गाइज़।